नमस्कार दोस्तों, सुनील रेगे की टेस्टी डिशेस में आज आपका फिर स्वागत है। और टेस्टी डिशेस में आज की श्रृंखला में आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी वेजिटेबल। क्रिस्पी वेजिटेबल जो एक बहुत ही टेस्टी डिश है और एज अ स्नैक्स आप इसको खा सकते हैं। और इसमें मैंने एक तो आलू काट के लिए हैं, फिर कॉर्न लिया है, गोभी लिया है, शिमला मिर्च ली है, गाजर काटी है, थोड़ी सी मिर्ची और प्याज। तो इस इन सारी वेजिटेबल्स के साथ हम क्रिस्पी वेज बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं क्रिस्पी वेज। तो दोस्तों, क्रिस्पी वेज बनाने के लिए दो और चीजें लगेंगी, एक तो मैदा और कॉर्नफ्लावर। अब ये जितनी वेजिटेबल्स मैं देख रहे हैं या आप देख रहे हैं, इनको इनमें से प्याज को छोड़कर हम सारी चीजों को तो एक बॉईल कर लेंगे, एक बार बॉईल कर लेंगे, मतलब आलू, कॉर्न, गोभी और गाजर, इनको हम बॉईल करके लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये सारे वेजिटेबल्स को एक बॉईल करने के लिए रख लिया है और एक 5 मिनट बॉईल होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये बॉईल हो गया है और बॉईल पर रखने से पहले मैंने इसमें थोड़ा सा 1.5 चम्मच नमक भी डाल दिया है। ये मैंने बॉईल वेजिटेबल को अलग कर लिया है। और जैसा कि एक टिप मैं आपको देना चाह रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक, वेज स्टॉक, मतलब जो उबालने के बाद में जो गर्म पानी बचा है, इसको आप सूप जैसा भी या सूप के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम क्रिस्पी वेज की अगली कड़ी। ये जो बॉइल्ड वेजिटेबल है, इसमें हम 1 चम्मच एक तो हमारा स्वीट कॉर्न और जो स्वीट कॉर्न पाउडर है और मैदे का 1 चम्मच हम इसमें डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डालेंगे जिससे ये बाइंडिंग मटेरियल का काम भी करेगा और मोयन जैसा भी यूज कर सकते हैं उसको। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शिमला मिर्च और प्याज और हरी मिर्च, इसको हमने बॉईल नहीं किया है या इसको इसमें बॉईल नहीं करते हैं, पर इसमें अब हम मिलाकर इस पर भी कॉर्न और मैदे की परत चढ़ा देंगे। शिमला मिर्च, हरी मिर्च और जिसके साथ में थोड़ा सा हमने जो प्याज लिया था, उस पर भी एक परत इसकी अच्छे से चढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसके आगे हम ये जो कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बनाकर ये पूरे मिक्सचर के ऊपर या तो डालेंगे या एक एक इसमें डुबो के और फिर फ्राई करते जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं फ्राई करने के लिए कैसे हम इसको डुबो के और आगे फ्राई करते जाएंगे। अब एक एक हम इसको डीप फ्राई करते जाएंगे और बाद में निकाल लेंगे। तो क्रिस्पी वेज आपका तैयार है जिसको आप सर्व कर सकते हैं और खिला भी सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, तैयार है क्रिस्पी वेज कॉर्न। तो क्रिस्पी कॉर्न या क्रिस्पी वेज कॉर्न, तो आप भी खाइए, दोस्तों को भी खिलाइए। और ये डिश आपको कैसी लगी जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सुनील रेगे की टेस्टी डिशेस।